हेलो गाइस, वेलकम टू दिस डेज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बारे में। तो इसका मैंने फर्स्ट शो देखा और रियली मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो आज मैं इसका फ्री स्पॉइलर रिव्यू दूंगा और पर्सनली ये मूवी मुझे कैसी लगी तो एवरीथिंग इस मूवी के बारे में बात करूंगा। तो इस वीडियो में कोई भी स्पॉइलर नहीं है। अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि ये मूवी पर्सनली मुझे देखनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले वीडियो का स्पॉइलर फ्री रिव्यू देने से पहले मैं अपने आप को दो कैटेगरी में बांटना चाहूँगा। नंबर वन, एक ऐसा फैन जिसने सिर्फ एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखी, देन उसके बाद एवेंजर एंड गेम देखी और उसने मार्वल की कोई मूवी नहीं देखी और फिर वो पहुंच गया स्पाइडरमैन मूवी देखने के लिए। देन उसके बाद कैटेगरी नंबर फैन टू, जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी मूवी देखी और उसी के साथ वो देखने गया स्पाइडरमैन मूवी, तो उसके हिसाब से क्या रिव्यू थे। और जिनने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम देखी उसके हिसाब से क्या रिव्यू थे तो मैं दोनों ही बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी नंबर वन के बारे में। मैं एक नॉर्मल फ़ैन हूँ जिसने काफ़ी फैन से सुना, काफ़ी लोगों से, अपने दोस्तों से, कॉलेज के फ्रेंड से सुना कि भाई एवेंजर इन्फिनिटी वॉर मूवी देख, बहुत बढ़िया मूवी है और ये मार्वल की सबसे बेस्ट है। आज तक मैंने कभी मार्वल का नाम तक नहीं सुना और मैं एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखने गया, एवेंजर एंड गेम देखने गया, मुझे बहुत पसंद आई और बहुत बड़ी लेवल की मूवी थी। पर उसी के बाद मैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम देखने गया और फाइनली मेरे रिव्यू ये थे, यार क्या बेकार सी मूवी है, इतनी बोरियत, स्टार्टिंग बिल्कुल बेकार और एंडिंग में क्या था, सब बकवास था मूवी में, इससे बढ़िया तो यार एवेंजर इन्फिनिटी वॉर एंड गेम बढ़िया थी। तो इस कैटेगरी के जो फैंस थे, जैसा कि मैं थिएटर से बाहर निकला और सुन रहा था कि मूवी ज़्यादा अच्छी नहीं है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, 100% मैंने उनसे जैसे ही पूछा कि भाई आपको मूवी क्यों पसंद नहीं आई, कि भाई इससे बढ़िया तो एवेंजर एंड गेम थी। अब यहीं पर सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है कि स्पाइडरमैन एवेंजर एंड गेम में जमीन आसमान का फ़र्क है, वो उतने बड़ी लेवल की मूवी नहीं है, वो एक सोलो मूवी है एक सोलो कैरेक्टर के ऊपर। और एवेंजर एंड गेम टाइप की बड़ी लेवल की मूवी थी और उसमें इतने सारे बड़े बड़े कैरेक्टर थे, तो फाइनली डिफरेंस तो आना ही है। और स्पाइडरमैन की लेवल के हिसाब से ये मूवी सही थी, पर नॉर्मल फैन जो सिर्फ एवेंजर एंड गेम देखने के लिए ही और सोच रहे थे कि ये मूवी उस लेवल की होगी, तो उनके लिए तो ये मूवी बिल्कुल बकवास थी। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट था जो कि सिर्फ उन फैंस के लिए था जिन्होंने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम देखी। अब बात करते हैं उन फैंस के लिए और उन यूट्यूबर्स के लिए जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी मूवी देखी है, उन्हें हर ईस्टर एग से मतलब होता है, हर पोस्ट क्रेडिट सीन से मतलब होता है, क्योंकि जिन्होंने एवेंजर एंड गेम देखी थी और स्पाइडरमैन देखने गए वो तो मूवी के ख़त्म होते ही हुट लिए। पर जो ट्रू मार्वल फैंस थे कैटेगरी नंबर टू, जो कि एंड तक बैठे रहे, तो उनके हिसाब से ये मूवी कैसी थी। तो स्टार्टिंग बिल्कुल ही ब्रिलियंट, फैंटास्टिक, जो कैमियो था वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, मैं बताऊंगा नहीं वो स्टार्टिंग कैसी थी, इंट्रोडक्शन कैसा था, और जो इंट्रो सॉन्ग था मार्वल स्टूडियो का लोगो का वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और मूवी की स्पीड थोड़ी स्लो डाउन में और पीटर पार्कर एवेंजर एंड गेम के बाद, क्योंकि इसकी जो टाइमलाइन है वो एवेंजर एंड गेम के 8 महीने बाद की है। ये एक छोटा सा स्पॉइलर जो कि सबको पता होनी चाहिए, शायद ये बात पता भी नहीं चली होगी शायद किसी को, पर एवेंजर एंड गेम के बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की 8 महीने के बाद की टाइमलाइन है। देन उसके बाद पीटर पार्कर कैसे अपने आप को मैनेजमेंट करता है बिना टोनी स्टार्क के, एवरीथिंग, और फिर धीरे धीरे हाफ इंटरवाल के बाद ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। रियली इस मूवी की एंडिंग थी और जो स्पाइडरमैन की ट्रू पावर थी एंडिंग में वो सब कुछ दिखाया। मिस्टीरियो का जो कैरेक्टर हमने कॉमिक बुक में देखा था उससे तो वो बिल्कुल डिफरेंट था, पर जो मूवी में हमें दिखाया वो कुछ ज़्यादा ही अलग था। मूवी में इतना करर ट्विस्ट दिखाया है और इतना कुछ एक्शन दिखाया है जो कि शायद हमने आज तक कभी स्पाइडरमैन की मूवी में नहीं देखा। रियली फैक्ट बता रहा हूँ आपको, मुझे इस मेरे हिसाब से जो पर्सनली लगता है कि स्पाइडरमैन की एनिमेशन मूवी छोड़ के स्पाइडर वर्स अगर सारी मूवी में से सबसे टॉप की मूवी देखी जाए तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होगी, क्योंकि स्पाइडरमैन की जो ट्रू पावर दिखाई है और स्पाइडी सेंस जो दिखाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो मूवी को देखिए, मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और मेरे हिसाब से अगर आप इस मूवी को थिएटर से देख के आओगे तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपकी सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी होने वाली है। अगर टॉबी मैकवायर की बात करी जाए तो वो एक कैरेक्टर था, सभी उसको पसंद करते थे, पहला स्पाइडरमैन था इसलिए सबको पसंद थी। पर अगर स्पाइडरमैन की अगर जो ट्रू पावर देखी जाए, स्पाइडरमैन की जो स्टोरी देखी जाए, तो उस हिसाब से फार फ्रॉम होम आपकी बेस्ट मूवी होने वाली है। अगर प्यार से देखा जाए तो फिर टॉबी मैकवायर सबका फेवरेट है, पर बेस्ट रैंकिंग में अगर देखी जाए तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम सबसे बेस्ट है। तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो जाके देखो, मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मेरी तरफ से तो इसे 100 में से 98% मिलने चाहिए। सिर्फ स्टार्टिंग में 2% इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो डाउन था, पर वो एक स्टोरी के हिसाब से देखी जाए तो बिल्कुल परफेक्ट थी मूवी। तो गाइस, कैसा लगा रिव्यू, कैसा लगा वीडियो,
अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।